हेलो फ्रेंड्स, सावित्री किचन में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं? भगवान दया से सब अच्छा है, सब हेल्दी, सब खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को प्रेयर कर रही है। आप लोग के लिए भी, मेरे के लिए भी, मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों को सामने श्रावण मास के लिए माता रानी का प्रसाद नैवेद्य दिखा रही है। आप लोगों का वरलक्ष्मी व्रत अनका प्रसाद दिखा रही है। पहले आप लोगों को पुलिहोदरा, खट्टा चावल सब दिखाया है। इस बार मैंने वैरायटी के माता रानी के लिए टमाटर राइस और दद्धोजनम और चक्र पोंगली। ये दद्धोजनम मतलब दही से बनता है, भगवान का प्रसाद बांटता है मंदिर में भी, बालाजी मंदिर में भी बांटता है ये। मैं उसको कैसा बनाने का दिखाती हूँ। चक्र पोंगली बोलेगा तो मूंग दाल से बनता है स्वीट, वो भी दिखा रही है। पहले सब कुछ चावल का खीर सब दिखा है ना, इस बार वैरायटी आप लोगों को क्या क्या बनाने का सोचता है इसलिए मैं दूसरा वैरायटी दिखा रही है। कोई सा भी बात, माता रानी को भगवान अपना स्वच्छ मन से भगवान का प्रेयर करके अच्छा दिल से बनाएगा, वही भगवान का प्रसाद बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा हम लोगों का। इसलिए कैसा बनाने का वो दिखा रही है प्रसाद सब। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। अभी मैंने 1.5 किलो चावल लिया है, यही चावल से एक साथ चढ़ा रही है मैं। इससे दद्धोजनम मतलब वो दही का चावल और टमाटर राइस कैसा बनाने का मैं दिखाती हूँ। ये चावल धो के कुकर में चढ़ाती हूँ, अभी धो के लेके आऊंगी। धो के लेके आई हूँ, इसके अंदर पानी डाल रही है, 1 कप, 2 कप, 3 कप पानी डाला है बस। 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी लगेगा। आप लोग को चावल देखना, रोज बनाता है ना आप लोग, चावल अलग अलग रहेगा, राइस अच्छा रहता है वो टमाटर राइस। मैं आप लोगों के एक टिप बता रही है, ये एल्यूमिनियम कुकर में रोज कुकर चढ़ाने के टाइम ये चिटकू थोड़ा सा इतना सा इमली नहीं तो नींबू डालेगा ना, एकदम व्हाइट हो जाता है, काला नहीं पड़ेगा। देखना मेरा कुकर चांदी जैसा कैसा चमक रहे, अंदर से एकदम व्हाइट रहेगा। आप कुकर चढ़ाने के टाइम पानी डालने के बाद थोड़ा सा इतना सा इमली एक चिटकू, नहीं तो इतना सा इमली नहीं तो एक चिटकू नींबू का टुकड़ा डालेगा ना, एकदम सफेद हो जाता है कुकर, एकदम अच्छा रहता है, काला काला रहेगा, खाना बनाने को अच्छा नहीं दिखता है ना सामान, इसलिए ऐसे ही डाल दीजिए आप लोग। अभी मैंने कुकर में चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया मैंने, अभी कुकर बंद करेंगे। 1 विजिल आएगी तो बस है हम लोग को, 1 विजिल में खाना बन जाएगा, और 2-3 विजिल आएगी ना खाना सॉफ्ट हो जाता है, अलग अलग नहीं होएगा चावल। 2-3 सीटी आएगी तो चावल के लिए 1 सीटी बस है। 1 सीटी आने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। हाई में मत रखना, मीडियम में रख दीजिए। अभी आपको दद्धोजनम और टमाटर राइस के लिए कुकर चढ़ा दिया ना, अभी दूसरा माता रानी को अपना को मेहमान आएगी तो कुछ स्वीट तो देना पड़ेगा, इसलिए वो स्वीट कैसा बनाने का दूसरा वेरायटी दिखा रही है। माता रानी को अच्छे सा स्वीट वेरायटी बना के खिलाएंगे। चावल का खीर सब दिखाया ना मैंने, अभी चक्र पोंगली बोलते हैं हम लोग में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग वीडियो देख के मेरे को कमेंट दीजिए कौन सा बोलता है हिंदी में। मेरे को चक्र पोंगली बोलते हैं, ये मंदिर में, बालाजी मंदिर में सब में ये प्रसाद बनाता है, बहुत ही अच्छा स्पेशल है ये भगवान का स्पेशल दिन में ये बनता है। इसके कैसा बनाने का मैं दिखा रही है। अभी मूंग दाल लिया है मैंने, 1/4 कप मैंने मूंग दाल लिया है। इसको एकदम अच्छे से थोड़ा सा 3-4 मिनट के लिए भूनने का है, घी में भूनने का है, ये कलर चेंज नहीं होने का। मीडियम में रख दीजिए, हाई में मत रखना। हम लोग बहुत बार दिखाए आप लोगों को चावल का खीर और खट्टा चावल, लेमन राइस, अब इस बार अलग अलग दिखा खिलाने का ना माता रानी को, हर साल एक ही नहीं खिलाने का है, इसलिए मैं टमाटर राइस खिला रही, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। मूंग दाल से स्वीट बना रही है। हाँ अभी हो गया 2 मिनट से बस, हो गया, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है, घी में भून रही है ना, हम लोग को भगवान का प्रसाद बोलेगी तो घी में ही बनाने का है। अभी चावल को धो के लिया है मैंने, 1/2 कप चावल लिया है, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। वन फोर्थ कप मूंग दाल लिया तो 1/2 कप चावल लिया है, मूंग दाल कितना लिया है उससे डबल चावल लिया है मैंने, पानी लिया है मैंने, ये भी डाल दिया है। इससे चावल लिया ने वो 1 कप से दूध भी लिया है। ये चक्र पोंगली स्वीट बढ़िया बनता है, ऐसे एक बार बना के माता रानी को भोग लगाइए,
बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देखना अभी पानी भी डाल दिया है, मिक्स करने का नीचे लगने का नहीं है ना अच्छे से। बस अभी कुकर विजल आने के तक रखेंगे हम लोग, ढक्कन रखे मीडियम में रख दीजिए। दो विजल आने के लिए रखेंगे, क्यों दाल डाला ना इसलिए दो विजल आने का है, बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। दो विजल में मैं बंद कर दिए, दो विजल आया है, दो विजल देखने कितना अच्छा, वाओ एकदम अच्छा पक गया है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक ना, पेस्ट हो गया, एकदम पेस्ट हो गया, बहुत अच्छा कुछ बार, क्यों मूंग दाल है ना, ज्यादा विजल का जरूरत नहीं है, एकदम पक गया। अभी इसको क्या करने का दिखाती हूँ, साइड में रखूंगी इसको, चक्कर पोंगली साइड में रखा है मैंने, चावल बन गए ना, अभी कढ़ाई रख रही है, सिम में रख दिया मैंने, हाई में नहीं रखना। अभी एक टेबल स्पून घी डाला है मैंने, आप लोग कम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं घी नहीं खाने वाला, डाइट करने वाला, थोड़ा सा आधा डाल दीजिए, मगर टेस्ट नहीं आता है स्वीट में, माता रानी का प्रसाद बोलेगा तो बहुत बढ़िया टेस्ट आने का ना। हम लोग कभी कभार बनाते हैं अच्छा प्रसाद भगवान के लिए, स्पेशल है ना पर लक्ष्मी श्रावण मास में चलने वाला भगवान का पूजा पाठ, अच्छा घी वगैरह डाल के खुशबू खुशबू टेस्टी खाना देने का भोग। अभी इसके अंदर थोड़ा सा चार पांच काजू, चार पांच मैंने बादाम काट के डाल दिया है, आप लोगों को कितना चाहिए थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, आप लोग को हिसाब से कर दीजिए, कौन सा ड्राई फ्रूट है वो सब डाल दीजिए आप लोग। अभी हो गया है, ये निकाल रही है मैं, चावल कितना लिया उतना गुड़ डाल दीजिए, बराबर मीठा हो जाएगा, मीठा कम खाते हैं हम लोग, आप लोग को थोड़ा मीठा चाहिए तो और दो टेबल स्पून डाल दीजिए, मगर ये स्वीट बराबर हो जाएगा, आप लोग को चाहिए तो और थोड़ा एक टेबल स्पून गुड़ डाल सकता है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, गुड़ गलने का ना अच्छा रहता है, चार टेबल स्पून पानी डाल दिया है, थोड़ा गुड़ गलने तक रखने का है। मैं गुड़ मंगवाती हूँ ना तभी थोड़ा सा, मैं रोज कॉफी में चाय में गुड़ डाल के पीती हूँ मैं, तभी चेक करती हूँ पानी में डाल के छान के देखा है उसी में रेती नहीं है, इसीलिए मैं छान के नहीं दिखा रही आप लोगों को। आप लोगों का गुड़ में लेके आने के बाद थोड़ा पहले चेक कर दीजिए, काला काला छोटा छोटा मुँह में डालेगा तो रखता है ना, तभी आप लोग गुड़ हर बार छान के किसी में डाल दीजिए। अभी गैस बंद कर दिया मैंने, पाक का जरूरत नहीं है सिर्फ गलने का है। अभी निकाल के साइड में रख रही है, अभी ये थोड़ा कड़क के ना ये पानी इसके अंदर डाल देंगे, देखने एकदम पतला कर दिया है, देखने अच्छा होगी ना खीर जैसा पतला हो गया, अच्छा खुशबू आ रही है। अभी हम लोग ड्राई फ्रूट्स घी में भून के रखा है ना वो भी इसके अंदर डाल रही है, तीन इलायची है वो भी कूट के बारीक बारीक कूट के रखा है ये भी डाल रहे हैं, प्रसाद में जरूरी होता है, बिना इलायची का प्रसाद भोग मत लगाइए, कोई सा भी प्रसाद स्वीट बनाएंगे ना आप लोग इलायची जरूर डाल दीजिए। इसके ऊपर और थोड़ा सा घी डाल रही है, एक टी स्पून डाल दिया मैंने, आप लोग को चाहिए तो डाल दीजिए, कम खाने वाला मत डालिए। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया चक्कर पोंगल, सिंपल इजी फटाफट बना के हम लोग भोग लगा सकते हैं माता रानी का पूजा में, फटाफट बना के अच्छे से भोग लगाइए, अच्छा प्रसाद है, बहुत गुड़ आन प्रीतमान सा माता, माता को गुड़ आन गुड़ और चावल खीर बहुत 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 पसंद है, इसलिए ललिता सहस्त्र नाम में आता है, इसलिए आप लोग ऐसा गुड़ का चावल वेरायटी वेरायटी चार हफ्ता आता है, चार हफ्ता चार शुक्रवार को बना के आप लोग कुछ वैरायटी वैरायटी बना के भोग लगाइए, माता रानी का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। अभी फ्रेंड्स चक्र पोंगली स्वीट हम लोगों को खीर बना के साइड में रखा ना भगवान के लिए, आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं मेरा स्वीट को जरूर कमेंट दीजिए, मेरे को इतना आइडिया नहीं है हिंदी में, हमारा में चक्र पोंगली बोलते हैं उस स्वीट के लिए। अभी वो बना के साइड में रखा दिखा है ना, अभी मैं दद्दोजनम दही का चावल पसंद है ना माता रानी को बोल रही ना हम लोग में वो, और टमाटर राइस दिखाने के लिए चावल रखा है, वो कैसा बन गया देखिए ना कितना अच्छा अलग अलग हो गए ना, अभी वो बना के दिखाती हूँ। ये साइड में रख रही है, कढ़ाई रखा है गैस चालू किया, अभी ऑयल डाल रही है, एक टेबलस्पून ऑयल डाला है, एक टेबलस्पून घी डाल रही है, प्रसाद है ना अच्छा रहता है घी में बनाएगी तो, हम लोग हर दिन नहीं खाता है ना प्रसाद के लिए बहुत ही बढ़िया बना लेता है।
फिर तड़का के लिए हम लोग थोड़ा सा एक टीस्पून चने दाल डाल दिए है, एक टीस्पून उड़द दाल डाल दिया, गोल वाला है मेरे पास, टुकड़ा नहीं था, गोल वाला डाल दिया है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक हम लोग भूनेंगे, ठीक है ना, थोड़ा चेंज हो गया अभी। थोड़ा सा आधा टीस्पून राई डाल दिया है, आधा टीस्पून जीरा डाल दिया है, हरी मिर्ची, दो हरी मिर्ची डाल दी है, ज्यादा तीखा नहीं डालने का है, प्रसाद है ना माता रानी को, ज्यादा तीखा नहीं देने का है, बहुत तीखा। अभी कड़ी पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, 1/4 टीस्पून हींग डाल दिया है। अभी दो टमाटर थोड़ा सा मीडियम काट के रखा है, लेकिन कैसा भी काटने का थोड़ा गल जाएगा। आप लोग को और खट्टा चाहिए तो दो टमाटर डाल दीजिए, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, मैंने आधा टीस्पून से ज्यादा नमक डाला, आप लोग स्वाद अनुसार से कितना नमक खाते हैं वो हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है, अच्छा है ना, कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा, जरूरी है हल्दी डालने का है, माता रानी का प्रसाद में हल्दी डालने का ही है, येल्लो येल्लो चावल देने का है माता रानी को, बहुत ही अच्छा खुश हो जाती है माता रानी। अभी ढक्कन रखूंगी, अभी ढक्कन रखेंगे, 2 मिनट ढक्कन रखे निकाल दूंगी, अभी देखेंगे थोड़ा सा, हाँ गल रही ना, और 2 मिनट फिर गलने का, पूरा गलने का जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा गलेगा तो अच्छा रहेगा, खट्टा निकल जाएगा ना। अभी देखेंगे फ्रेंड्स कैसे, देखना एकदम गल गया है, गल गए, इससे ज्यादा नहीं गलने का है, देखना ये चावल इसके अंदर डाल देंगे, पहले बना के रखा था हम लोग ने। देखना फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो आप लोग ज्यादा चावल चढ़ाइए, आधा किलो टमाटर लेके ऐसा तड़का लगा के चावल मिक्स कर दीजिए, आप लोग को और खट्टा कम पड़ेगा, एक नींबू उसको ऊपर खींच लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। हाँ, 2 कप चावल रखा ना मैंने, 1 कप चावल इसके अंदर डाल दिया है मैंने, ज्यादा हिलाने का नहीं, टूट जाएगा। देखना फ्रेंड्स, अभी गैस बंद कर रही है मैं, थोड़ा गरम गरम में अपना चावल को एक खट्टा लग जाएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। ये हो गए ना, अभी दद्दोजनम दिखा रही है आपको, अभी ये दद्दोजनम दही चावल के लिए, प्रसाद भोग के लिए, मैं आधा चावल उसके अंदर डाल दिया, आधा चावल इसमें डाल दिया, इसको थोड़ा सा ठंडा होने का है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, एकदम थोड़ा सा दबाने का, इसको टुकड़ा हुए तो भी चलेगा, एकदम चम्मच से ऐसा दबा के रखने का, एकदम दद्दोजनम मतलब दही चावल का प्रसाद एकदम सॉफ्ट रहता है, अच्छे साइड से दबा के रखना, 2 मिनट साइड में रखेगा, 5 मिनट में ठंडा होने के बाद दही वगैरह डालने का, गर्म में दही डालेगा ये फट जाएगा दही, इसलिए थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख रहे हैं। तब तक आप लोग को तड़का दिखाती हूँ, गैस चालू किया, कढ़ाई रखा है, इसके लिए तड़का दिखाने का है। 1 टीस्पून ऑयल लिया है, ज्यादा नहीं डालने का, दही चावल में ऑयल ज्यादा नहीं खाने का ना। अभी राई डाल दिया, थोड़ा हींग डाल रही है, 1/4 टीस्पून हींग डाल दिया मैंने, थोड़ा हरी मिर्ची, 2-3 हरी मिर्ची काट दिया, ज्यादा तीखा नहीं चाहिए ना प्रसाद भोग के लिए, ज्यादा तीखा नहीं देने का, सात्विक खाना देना पड़ता है। अभी कड़ी पत्ता डाल दिया है, लाल मिर्ची भी डाल दी है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। अभी इसके अंदर डाल दिया मैंने, अभी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, आप लोगों को कितना नमक खाते हैं उतना नमक डाल दीजिए, मैंने आधा टीस्पून से ज्यादा डाल दिया है। अभी इसको ठंडा करने के लिए रखती हूँ, ठंडा होने के बाद दिखा दूंगी। अभी ठंडा हो गया है ये, इसके अंदर दही डाल रही है मैंने कल आधा किलो दूध बॉईल किया है, आधा किलो का दही है ये, आप लोग को और ज्यादा लोगे तो ज्यादा मिक्स कर दीजिए, कम नहीं तो कम भी कर सकते हैं आप, देखना ठंडा होने के बाद ही डाल देना, नहीं तो दही खराब हो जाएगा। आप लोग को खट्टा दही है तो 1 कप दूध डाल दीजिए इसके अंदर, फिर ढक्कन रख के 1 घंटा बाद खा लीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा, बहुत फ्रेश दही है, मैं जल्दी सुबह का सुबह जमा करती हूँ, शाम को जमा करती हूँ।
ये खट्टा नहीं है मेरा, इसलिए मैं दूध नहीं डाल रही है। आप लोग को खट्टा रहेगा, तलका रहेगा तो इसके अंदर दही डाल के आधा कप दूध डाल के ढक्कन रखेगा, एक घंटा बाद जम के बहुत मीठा रहेगा। अभी लास्ट में मैंने अनार का दाना डाल रही है। आप लोगों को पसंद है तो डाल देना, नहीं तो नहीं, मगर भगवान का प्रसाद है ना, इसीलिए मैं डाल दी है। अच्छे से अनार का दाना डालेगा, अच्छा लगता है ना, बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया मैंने, अच्छा रहता है ना, थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिया, अच्छा टेस्ट आ जाता है, अच्छा है ना, खाने को भी पेट को भी। ग्रीन लीव्स डालेगा तो अच्छा रहता है। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा प्रसाद बन गया है। हम लोग एक घंटा में फटाफट सब कुछ बना के भगवान का पूजा अच्छे से कर सकते हैं। वो रोज नहीं चलता है ना, सब लोग को आजकल भाग दौड़ चल रही है। एक दिन भगवान को मन से प्रसाद बनाइए, भोग लगाइए, भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रसाद बनाया ना, ये चक्र पोंगल ही है, बोला ना खीर जैसा है। मैंने हमारा भाषा में चक्र पोंगली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं गुजराती में मुझे नहीं मालूम। अभी दद्दोजन देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा बन गया है प्रेशर। तभी टमाटर राइस है, तुलसी दल डालने का है। देखा फ्रेंड्स कितना अच्छा प्रसाद बन गया है। दद्दोजनम दही चावल से बन गया और टमाटर राइस बनाया मैंने प्रसाद के लिए, और चक्र पोंगली बोलते हैं वो, खीर जैसा है, अलग टाइप का बनाया, दिखाया आप लोगों को। ये बनाइए, आप लोग माता रानी को भोग लगाइए। आप बनाने के बाद आप कैसा बन गया, कैसा टेस्ट है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग को फ्रेंड्स को आप लोग को परिवार को मेरा चैनल फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर। आप लोग पूजा पाठ कर दीजिए, भगवान का आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। जय अम्बे मात की जय, जय अम्बे मात की जय।